वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें क्या खास बात है? खास बात यह है कि ये ब्रांड खास है, पार्क एवेन्यू, और इसका फ्रेग्रेंस अच्छा है। ये इन्होंने यूनिसेक्स परफ्यूम जैसा बनाया है कि दोनों भी मेन एंड वेमेन दोनों भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसकी ना, मेरे को ये थोड़ा कम पसंद आता है एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स, क्योंकि इनकी एक किट आती है, पार्क एवेन्यू की एक शेविंग किट आती है, जिसमें पार्क एवेन्यू का रेजर आता है और उसके साथ उसका शेविंग का फोम आता है और अदर दूसरे भी चीज़ें आती है, उस सब का फ्रेग्रेंस सेम रहता है। तो ये भी उसी का एक पार्ट था। ओके, तो ये सब का फ्रेग्रेंस सेम रहता है, जिसकी वजह से मेरे दिमाग में बैठ गया है कि ये जो परफ्यूम लगाता हूँ तो ऐसा लगता है कि आफ्टर शेव लगाया है या फिर शेविंग क्रीम लगाया है। ओके, बाकी अदरवाइज अगर आप इसका स्मेल देखेंगे तो बहुत अच्छा है। और ये 150 ml का है, इसमें इन्होंने बोला है 20% मोर फ्रेग्रेंस, लेकिन ये माइल्ड है। इन्होंने मतलब माइल्ड और हार्ड दोनों के बीच में रखा है, मॉडरेट मतलब इसका फ्रेग्रेंस रखा है इन्होंने, ताकि मेन एंड वुमेन दोनों को ये प्रमोट कर सके। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रहती है। इन्होंने बोला है कि गुड मॉर्निंग इसका नाम दिया है, फ्रेग्रेंस बॉडी स्प्रे वेकअप, मतलब उठते सही लगा लो, नहाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको मैं ये बता दूं कि अगर आप अंडर आर्म्स में ये लगाते हो बिना नहाए के ना, तो जो आपके स्वेट की जो स्मेल रहेगी वो और ज़्यादा भयानक हो जाएगी, जिसके वजह से मतलब जो आपके बाजू ना खड़ा हो पाएगा वो और दूर चला जाएगा। तो इसलिए इसको मैं रिकमेंड करता हूँ कि इसको आप अंडर आर्म्स में मत लगाना, अंडर आर्म्स में आप डियो लगाना, जैसा ये डियो है, ये डियो लगाना। लेकिन ये आप नॉर्मली स्किन पर, चेस्ट पर वगैरह, शोल्डर वगैरह पे आप अच्छे से लगा सकते हो, तब आपको फ़ायदा होगा। अगर आप अंडर आर्म्स में लगाते हो तो आपको पसीना या स्वेट की वजह से आपका और ज़्यादा बेकार हाल हो जाएगा। तो इसका ऑफ़र, इस पर बहुत सारे ऑफ़र आते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप अभी इस वीडियो को लेट चेक कर रहे हो तो हो सकता है आपको ऑफ़र मिले ना मिले, लेकिन आप एक बार डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए।